अक्सर हम एक बात सुनते हैं और जिन लोगों के पास कोई कार्य नहीं है वे लोग गुमराह भी बहुत ज्यादा करते हैं, क्योंकि उनके पास अफवाह फैलाने के पास अलावा कोई दूसरा चारा नहीं, अपने आप तो कुछ कर नहीं सकते थे। अपने आप जब अवसर मिला, जनता ने अवसर दिया, तब तो कुछ किया नहीं, लेकिन जब प्रदेश के युवाओं को नौकरी दी जा रही है, पारदर्शी तरीके से, निष्पक्ष तरीके से इन प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि हम लोगों ने पहले दिन ही 2017 में यहां पर सरकार ने शपथ ग्रहण के तत्काल बाद इस बात की घोषणा की थी कि अगर किसी ने युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, उत्तर प्रदेश की बेटी और व्यापारी के जीवन के साथ खिलवाड़ किया, तो याद रखना उसको हम वह सजा देंगे जो नजीर बनेगी देश और दुनिया के लिए। और तब से जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार ने कार्य करना प्रारंभ किया। आज परिणाम क्या है, उत्तर प्रदेश इन सभी कार्यों के लिए जाना जा रहा है, हर कार्य में अग्रणी भूमिका के साथ आगे बढ़ रहा है। लेकिन उस समय जो लोग स्वयं तो कर नहीं सकते थे, लेकिन आज उन्हें इस बात का मलाल रहता है कि हम कुछ नहीं कर पा रहे थे, ये सरकार कैसे कर दे रही है। इसके लिए अपने उस गिरोह को आगे करके किसी न किसी प्रकार से अफवाह पैदा करना, समाज में अनावश्यक रूप से एक माहौल खराब करने का प्रयास करना और उसके माध्यम से लोगों को गुमराह करने का प्रयास करके लोगों के मन में एक इस प्रकार का भाव कि कहीं ऐसा तो नहीं है जिसके कारण जो है हमारे साथ अन्याय हो। प्रदेश सरकार ने तमाम अच्छे प्रयास किए, उन प्रयासों के परिणाम सामने आ रहे हैं। हमारा युवा किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए हो या किसी भी शासन की नौकरी के लिए, प्रदेश सरकार ने उनके लिए अभ्युदय कोचिंग की व्यवस्था भी प्रारंभ की। बहुत सारे जनपदों में सफलतापूर्वक चल रहे हैं। जब भी हम अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के परिणामों को देखते हैं या यूपीएससी की परीक्षा के परिणाम को देखते हैं और अभ्युदय कोचिंग से निकले हुए छात्रों को देखते हैं, वे यूथ हमसे मिलने के लिए आते हैं कि हमने अभ्युदय कोचिंग से प्रशिक्षण लिया था, वहां पे हमने इस कोचिंग के साथ जुड़ करके हमें सफलता प्राप्त हुई। अच्छा लगता है कि चलिए हम लोगों का एक प्रयास सार्थक हुआ, इस युवा को इसके नाम पर नौकरी मिली। या सरकार ने अपने शिक्षा के केंद्र को भी, जो हमारे उच्च शिक्षा के केंद्र थे, टेक्निकल एजुकेशन से जुड़े हुए थे, मेडिकल एजुकेशन से जुड़े हुए थे, वोकेशनल एजुकेशन से जुड़े हुए थे, इन सब की स्ट्रेंथनिंग की, इनकी सुदृढ़ता के लिए भी कदम उठाए। परिणाम सामने आ रहे हैं।